हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम विंडोज सेवन विंडोज एट विंडोज़ टेन के बारे में सारे फीचर्स जो है वो जान लिए थे हमने अपने पहले पार्ट में तो इस हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आज जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि डेस्कटॉप क्या हुआ आइकन्स क्या हुआ टास्क बार क्या हुआ इनमें से क्वेश्चन जो है यूजली पूछे जाते हैं जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है बैकग्राउंड ऑफ ए स्क्रीन इज नॉन एज स्क्रीन की जो बैकग्राउंड होती है उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑप्शन बी विंडो ऑप्शन सी डेस्कटॉप तो ये इनके जो आंसर है हम इसके बाद जो है वो दे देंगे ये सारा जो है टर्म्स को पढ़ने के बाद चलिए हमारा जो पहला टर्म है वो है डेस्कटॉप डेस्कटॉप जो है वो उसे वो क्या होता है डेस्कटॉप जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्रीन विच विल डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर पहली स्क्रीन जब भी हम डिस्प्ले जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर को बट कब जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो कंप्लीट डेफिनेशन ऐसे होगी वेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर देन द फर्स्ट स्क्रीन विच विल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज डेस्कटॉप तो उसे क्या कहा जाता है डेस्कटॉप टॉप सेकेंड टर्म है वॉल पेपर वॉल पेपर क्या होता है द बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए डेस्कटॉप इज नॉन एज वॉलपेपर क्या द बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए डेस्कटॉप इज नॉन एज वॉल पेपर डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड में इमेज बनती है उसे क्या बोला जाता है वॉलपेपर थर्ड है हमारे पास कर्सर कर्सर क्या होता है स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल मूविंग ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड कर्सर जो भी यूज कर रहा है लैपटॉप या कोई भी विंडोज या कुछ भी आप जानते होंगे कि इन तीनों टर्म्स को वॉलपेपर क्या होता है डेस्कटॉप क्या होता है कर्सर क्या होता है इस्लॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल इस कल्ट कर्सर हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए छोटी सी छोटी टर्म भी जो है वो नहीं छोड़नी नेक्स्ट इज हाँ तो डेस्कटॉप के लिए दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं डेस्कटॉप कंटें स्टार्ट मीनू टास्क बार आईकन्स सम गैजेट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट कम्पोनेट ऑफ डेस्टॉप आर ऑर्गेनाइज एस फॉलोस एक एक को पढ़ेंगे आइकन क्या हुआ ठीक है टास्क बार क्या होता है स्टार्ट मीनू क्या होता है गैजेट्स क्या होते हैं तो पहला हमारे पास आइकन्स आता है आइकन्स क्या है स्मॉल पिक्चर डेट रिप्रेजेंट फाइल्स फोल्डर प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम उन्हें हम आइकन्स कहते हैं तो कंप्लीट डेफिनेशन आइकन्स की क्या होगी अ स्मॉल इमेज ऑफ ए प्रोग्राम शोन ऑन अ डेस्कटॉप With program name is known as icon. Icons are small pictures that represent files, folders, programs and other items. User can open this program by double click on the icons. तो so, ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन के कोई भी फाइल है उसे कैसे ओपन करते हैं तो ये icons को ओपन करने के लिए हमें double click करना पड़ता है. User can user can open these programs by double click on the icons. इफ यू मूव एन आइकन इन योर डेस्क टॉप दिस इज कॉल्डिंग तो नीचे दो टर्म्स आपके पास आती है ड्रैगिंग क्या है ड्रॉपिंग क्या है इफ यू मूव एन आइकन और डेस्क टॉप इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग अगर हम कर्सर से किसी आइकन को मूव कर रहे है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले रहे हैं उसे सपोज राइट हैंड से लेफ्ट पे ले रहे है तो उसे क्या बोलते हैं ड्रैगिंग और ड्रैगिंग के बाद जब हम जिस प्लेस पे हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं ड्रॉपिंग तो क्या होगी ड्रॉपिंग की डेफिनेशन एंड आफ्टर रिलीजिंग इट इट विल बी कॉल ड्रॉपिंग रिलीज एन आइकन आफ्टर ड्रैगिंग ऑन डेस्कटॉप इट इज नॉन एज ड्रॉपिंग तो सम ऑफ़ आइकन्स जैसे कि आपका कंप्यूटर है उसमें कुछ आइकन्स होते हैं जैसे कि माई कंप्यूटर होता है रिसाइकल बिन होता है नेटवर्क होता है डॉक्यूमेंट्स होता है ठीक है ये कुछ या तो आप और जैसे के एम के एम पी प्लेयर है हमारे पास वेब कैम है ठीक है और या कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो उसका आइकन्स होगा जैसे कि गूगल क्रोम है ठीक है पिकासा का यूज कर रहे हो या वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो तो ये जो होते ये क्या होते हैं आइकन्स आई होप आइकन्स जो है क्लियर हो गया होगा तो अब आगे चलते हैं टास्क बार की तरफ टास्क बार क्या होता है तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे टास्क बार के लिए टास्क बार की पोजिशन भी इंपॉर्टेंट होगी कि इसे कहाँ पर रखा जाता है टास्क बार इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बॉक्स एट द बॉटम ऑफ आवर डेस्कटॉप इज नोन एज़ टास्क बार क्या जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बॉक्स दिखता है हमको बॉटम में अपने डेस्कटॉप के बॉटम में जब हमारी स्क्रीन ऑन होती है उसे हम बोलते हैं टास्क बार व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम और एनी विंडो देन द बटन ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन दैट टास्क बार अब जैसे कि <coughs> हम कोई भी फाइल खोल रहे हैं अगर पी खोल रहे हो तो, तो टास्क बार जो नीचे होगा उसमें वो पी का एक आइकन जो होगा वो शो होगा या हम वी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपका वी जो होगा उसका जो आइकन होगा वो टास्क बार में शो होगा वेन वी ओपन अ प्रोग्राम और एनी विंडो जब कम, कभी भी हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करें या कोई विंडो ओपन करें जो बॉटम होगा टास्क बार यानी जो टास्क बार होगा बॉटम पे वो डिस्प्ले होगा वो वाला प्रोग्राम अब इसके भी दो सेक्शन होते हैं एक तो मिडल सेक्शन होता है एक नोटिफिकेशन सेक्शन होता है टास्क बार के दो सेक्शन होते हैं मिडल सेक्शन करंटली बीइंग यूज बाय द यूजर क्या मिडल सेक्शन पे वो चीज़ शो होती है जो हम करंटली यूज कर रहे हो मिडल सेक्शन कह सकते हैं मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार कंटेंस द बटन ऑफ द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट विच आर करंटली बींग यूज बाय द यूजर जो कि करंटली यूज़र यूज कर रहा है जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो नीचे जो है वीएलसी जो होगा वो शो हो रहा होगा तो ये टास्क बार में शो होगा मिडल सेक्शन में शो होगा देन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन एट द राइट एंड ऑफ द टास्क बार नोटिफिकेशन कहाँ पर शो होती है राइट right एंड पे टास्क बार की एक तो डेट होगी शो डेट के नीचे टाइम होगा शो फिर वॉल्यूम होता है फिर नेटवर्क शो करता है फिर बैटरी शो करती है उसके बाद जो होता है वो नोटिफिकेशन शो होती है टास्क बार पे कॉन्सिस्ट ऑफ क्लॉक डेट एंड टाइम आइकन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम कंप्यूटर सेटिंग साउंड एंड आइकन्स ऑफ रिमूवेबल डिस्क डेट इज अगर हम कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं या कुछ तो वो भी वो शो होती है वहां पर नोटिफिकेशन में एक फ्लैग सा बना हुआ होता है नोटिफिकेशन के लिए तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा हो आपको अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट मीनू के बारे में स्टार्ट मीनू क्या होता है स्टार्ट मीनू और गेट वे ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्राम स्टार्ट मीनू को क्या कहा जाता है दिस इज द मेन गेट वे ऑफ आवर कंप्यूटर्स प्रोग्राम सच एज फाइल फोल्डर्स एंड सेटिंग स्टार्ट मीनू ऑल्सो कंटेन मोस्ट रिसेंटली ओपन प्रोग्राम जो भी हम रिसेंटली ओपन किया करते हैं प्रोग्राम वो भी स्टार्ट मीनू में जो है वो शो हो रहा होता है स्टार्ट क्या -क्या मीनू में वो देखते हैं एक तो प्रोग्राम फेवरेट्स, डॉक्यूमेंट सेटिंग फाइंड लॉग ऑफ टर्न ऑफ प्रोग्राम की बात करते हैं इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम जो कोई हम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर करते हैं उन सारों की इसमें लिस्ट होती है प्रोग्राम्स में शो होता है प्रोग्राम सेक्शन में नेक्स्ट इज फेवरेट फेवरेट क्या होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ बुक मार्क वेब पेजेस किसी भी पेजेस को हम बुक मार्क जो भी हम करते हैं या फेवरेट्स में रखते हैं बुक मार्क करके वो वेब पेजेस जो है वो फेवरेट्स में जो है वो सेव रहती है नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट सिंपली डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे इट शो अ लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट मेनू में जब हम ओपन करते हैं प्रोग्राम फेवर के बाद जो डॉक्यूमेंट आता है उस डॉक्यूमेंट में क्या शो होता है जो रिसेंटली अभी हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हो फिर सेटिंग आती है उसके अंदर कंट्रोल पैनल होते हैं प्रिंटर्स होते हैं टास्क बार की सेटिंग होती है एक्सेट्रा देन फाइंड आता है फाइंड में आप सर्च कर सकते हो किसी भी फाइल को किसी भी फोल्डर को देन लॉग ऑफ लॉग ऑफ क्या होता है यहाँ पर पासवर्ड जो है वो रख सकते हो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस फिर देन टर्न ऑफ होता है जहां से आप शटडाउन भी कर सकते हैं और रिस्टार्ट भी हम कर सकते हैं तो ये जो था स्टार्ट मेनू में जो प्रोग्राम फेवरेट डॉक्यूमेंट सेटिंग फाइंड लॉग ऑफ एंड टर्न ऑफ था अब बात करते हैं विंडोज़ के कुछ प्रोग्राम जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ द विंडोज़ आर टाइटल बार टाइटल बार ठीक है फिर हमारे पास स्क्रॉल बार आता है फिर मीनू आता है ये चीज़ें देखते हैं इससे पहले जो हम देखे थे अभी ऊपर हम देखे थे जैसे कि कंप्यूटर है रिसाइकल बिन है जो आइकन्स हम पढ़े थे या नेटवर्क उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर है कंप्यूटर क्या होता है जो माई कंप्यूटर होता है इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन ऑन द डेस्क डेस्कटॉप बहुत इंपॉर्टेंट आइकन है हमारे डेस्कटॉप का विच कंटेन आइकनस ऑफ डॉक्यूमेंट फोल्डर हार्ड डिस्क की पार्टीशन इसमें डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर सारे के सारे होते हैं माई कंप्यूटर में जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें जो पार्टीशन हम करते हैं ठीक है वो भी सारे इसमें पार्टीशन भी शो होते हैं जैसे कि लोकल uh, डिस्क uh, ऐसे लोकल डिस्क करके पार्टीशन होते हैं लोकल डिस्क सी डी ई ए सी इस तरीके से पार्टीशन होते हैं उसके अलावा जो डी वी डी या दूसरे ड्राइव होते हैं वो भी इसमें शो होते हैं ठीक है ठेके? वो भी हम इसमें शो होते हैं सी डी का या डी वी डी का कोई भी इट आल्सो एलो द यूज़र टू एक्सेस ड्राइवर्स प्रिंटर्स रिमूवेबल डिस्क और अदर सिस्टम एप्लीकेशंस इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आर विंडोज वी आर आल द प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर बैकअप आर स्टोर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माई कंप्यूटर के लिए देन रिसाइकल बिन रीसाइकल बिन सिंपली एक डैस्टबिन की तरह होता है कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं फाइल या फोल्डर या कुछ भी वो रीसाइकल बिन में चला जाता है इफ़ यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर देन इट गोज़ टू रिसाइकल बिन एंड फ्राम द रीसाइकल बिन वी कैन रीस्टोर द डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स ऑन प्रॉपर प्लेस उसी जगह डिलीट हो जाता है उसी जगह रिस्टोर हो जाता है जहाँ से हमने डिलीट किया बट अगर हम रीसाइकल बिन से भी कोई एम टी करें रिसाइकल बिन को यानि कि वहाँ से भी डिलीट कर ले तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है द नेटवर्क है नेटवर्क जो आइकन्स होता है इट कन्सिस्ट ऑफ आल नेटवर्क कनेक्शन विच मेक पॉसिबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट सिंपल सा है डॉक्यूमेंट्स हैं दिस फोल्डर कंटेंट ऑल ओवर फाइल्स विच यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन इट दिस फोल्डर कंटेंस ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल वर्ड प्रोसेसर सेपरेट शेड पावर पॉइंट इमेज सारा का सारा जो होता है इन डॉक्यूमेंट्स में सेव रहता है चलिए अब विंडो का जो है वो टाइटल बार पढ़ते हैं टाइटल बार क्या होता है जैसे कि लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम ऑफ विंडो और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इट कंटेंस एटलीस्ट थ्री स्मॉल बटन टाइटल बार जो होता है टॉप पे होता है इसके अंदर तीन बटन होते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सा एक तो क्लोज बटन होता है फिर मैक्सिमम बटन होता है जो मैक्सिमाइज करता है मिनिमाइज करता है जो सिंबल है वो आपके शो किए हुए हैं क्लोज बटन के लिए सिंपल क्रॉस मिनिमाइज बटन के लिए माइनस साइन होता है और मैक्सिमाइज के लिए सुकेयर होते हैं दो सुकेयर होते हैं छोटे छोटे एक के ऊपर एक ओवरलैप किया होता है ये होते हैं हमारे टाइटल बार में और टाइटल बार की पोजीशन क्या होती है एट अ राइट एज ऑफ टाइटल बार ये कहाँ पर होती है टाइटल बार के राइट right एज में और टाइटल बार की पोजीशन कहाँ पर होती है टॉप पर होती है टॉप पर होती है तो हम कह सकते हैं टाइटल बारे बार के बारे में इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ विंडो और एनी डायलॉग बॉक्स विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द विंडो और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टाइटल बार कंटेंट एस्ट थ्री स्मॉल बटन क्लोज बटन मिनिमाइज बटन एंड मैक्माइज बटन और टाइटल बार के बारे बात जो है हम स्क्रॉल बार के बारे में पढ़ेंगे स्क्रॉल बार क्या होता है टू टाइप ऑफ स्क्रॉल बार आते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बॉल जैसे कि मैंने एक पी ओपन की हुई है इस एफ का जो साइज है वो बड़ा है छोटा है वो सारा जो साइज है वो एडजस्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता जाता है इट स्क्रॉल अपियस कहाँ पर होता है इसकी पोजिशन क्या है एट द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ एनी बॉटम ऑफ द विंडो या तो लेफ्ट में या तो राइट right में बट एट द बॉटम ऑफ द विंडो ए विंडो कैन डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट दैट इज लार्जर देन द विंडो एरिया सो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार एरो The user can scroll a document in the window area to bring the view of hidden portion of document. हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं उसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं, हिडन एरिया को पढ़ना चाहते हैं, ऊपर नीचे करके हम स्क्रॉल बॉर की मदद ले सकते हैं। ये हॉरिजेंटली भी हम कर सकते हैं और वर्टिकली भी क्योंकि दो टाइप के स्क्रॉल बॉर है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार देन इज मीनू मीनू क्या होता है ईच मीनू सॉरी ईच विंडो कंटे इट्स ऑन मीनू विच परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन वेन दे हैव तो में भी हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं मीनू में हमारे पास फाइल मीनू है एडिट मीनू है व्यू मीनू है इंसर्ट मीनू है और हेल्प मीनू है तो थोड़ा इनके बारे में देखते हैं फाइल मीनू क्या होता है कंटे ऑप्शन लाइक न्यू ओपन क्लोज सेव प्रिंट कोई भी हमने डॉक्यूमेंट जैसे कि खोला है हम उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लेंगे सेव एज भी आता है प्रिंट करना है प्रिंट ऑप्शन आएगा ठीक है या न्यू ओपन करना है या ओपन करना है किसकी मदद मतलब से करना है वो सारी चीज़ें फाइल मीनू में है एडिट मीनू के बारे में आप जानते ही होंगे एडिट क्या होता है करना इसमें ऑप्शन ऐसे होते हैं अंडू करना कट करना कॉपी करना पेस्ट करना या क्लियर करना इस किस्म के ऑप्शन होते हैं देन व्यू मीनू व्यू मीनू लाइक नॉर्मल टूल बार प्रिंट लेआउट एट्सिट्रा कैसे आप देखना चाहते हो ऐसे इंसेट मिनू इंसेट मिनू का मीनिंग है जैसे कि आप उसमें हेडर या फुटर ये चीज़ें जो है वो एडजस्ट करना चाहते हो इंसेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसके जरिए फिर हेल्प मीनू आता है हेल्प मीनू अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हेल्प मीनू सेक्शन में जा सकते हैं द लास्ट पॉइंट हमारा है डायलॉग बॉक्स जैसे कि मैं कोई वर्ड में फाइल लिख रहा हूँ या आपके लिए कोई पी जो है वो बना रहे हैं तो अब हम उस पी को अगर हम सेव नहीं करते हैं सिंपली क्रॉस क्लोज कर लेते हैं क्लोज जैसे ही हम कर, करते हैं तो हमारे पे एक डायलॉग बॉक्स बना आता है वो डायलॉग बॉक्स हमें ये बोलता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या इसे क्लोज करना चाहते हो इसे कैंसिल करना चाहते हो इसे सेव करना चाहते हो सिंपल वर्ड्स में तो हम कह सकते हैं वैन वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन योर डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द क्लोज बटन विदाउट सेव योर डॉक्यूमेंट जब हम सेव नहीं करते डॉक्यूमेंट देग बॉक्सर ऑन द स्क्रीन तभी डायन पेनरलीस बटन नो बटन एंड कैंसल बटन क्या क्या होता है क्लोज यस नो एंड कैंसल ये चार किस्म के बटन होते हैं जनरली इट इज मेनली यूज टू सजेस्ट डेट वट डू नेक्स्ट तो ये हमें सजेस्ट करता है आप नेक्स्ट जो है वो क्या करना चाहते हो क्या आप सेव करना चाहते हो क्या क्लोज करना चाहते हो ठीक है या कैंसल करना चाहते हो तो डायलॉग बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया जो अब हम जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बैकग्राउंड ऑफ ए स्क्रीन इज नोन एज स्क्रीन की जो बैकग्राउंड होती है उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन वन एप्लीकेशन ऑप्शन टू विंडोज ऑप्शन थ्री डेस्कटॉप ऑप्शन फोर फ्रेम या नन ऑफ न तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है बैकग्राउंड ऑफ ए स्क्रीन इज नॉन एज डेस्कटॉप उसे क्या कहा जाता है डेस्क टॉप क्वेश्चन नंबर टू डेट एंड टाइम अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट जो डेट और टाइम हमारे स्क्रीन पे शो होती है हमारे डेस्कटॉप पे शो होती है वो किस पे होती है क्या वो कीबोर्ड पे होती है नहीं कीबोर्ड पे नहीं होती है. रिसाइकल बिन पे होती है नहीं ऐसा नहीं माई कंप्यूटर पे होती है? नहीं टास्क बार पे हमने पढ़ा टास्क बार में लेफ्ट uh, पोर्शन में बॉटम में जो होता है सॉरी राइट पोर्शन में बॉटम में जो होता है डेट एंड टाइम शो होती है देन क्वेश्चन नंबर थ्री ग्राफिकल पिक्चर्स डेट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर एट्सिट्रा आर ऑप्शन वन टास्क बार ऑप्शन बी विंडोज ऑप्शन सी डेस्कटॉप ऑप्शन फोर आइकन्स तो करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो आइकन्स है सो आइकन्स आर द ग्राफिकल पिक्चर डेट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर एट्सिट्रा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे एक आइडिया मिल गया कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आते हैं बट क्वेश्चन हम सेपरेट जो है वो अपलोड करेंगे अब आती है एम एस विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की शॉर्टकट कीज कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस सी सी से कॉपी याद रख लेना कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है कट करने के लिए किसी भी फाइल को किसी भी चीज़ को हमें कट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स की जो है एक साथ दबाएंगे. कॉपी हो गया कट हो गया पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस वी जो होता है पेस्ट करने के लिए अंडू करने के लिए अगर हम ने कोई चीज़ गलती से डिलीट कर दी है उसे अंडू करना है वापस अपनी जगह लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड डिलीट के लिए सिंपल एक कीबोर्ड पे आपका डिलीट बटन होता है अगर आपको सेलेक्ट आल करना है सेलेक्ट आर करना है तो उस कंट्रोल प्लस ए ए कंट्रोल प्लस ए मतलब सेलेक्ट आल एफ थ्री जो की होती है सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करना है तो एफ थ्री का यूज़ होगा एल्ट की प्लस एंटर व्यू प्रॉपर्टीज फॉर सिलेक्टेड आइटम तो हम इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं कोई भी अगर हमने आइटम सेलेक्ट की है उसकी प्रॉपर्टीज देखनी चाहती है तो एल्ट प्लस एंटर की को प्रेस करेंगे और एल्ट के साथ अगर हम एफ फोर की को एंटर एंटर करते हैं है, तो क्लोज द एक्टिव आइटम्स और क्विट एक्टिव प्रोग्राम जो भी हमारा आइटम अभी एक्टिव है जो हम यूज कर रहे हैं या कोई हमारा प्रोग्राम जो एक्टिव है उसे हम बंद करना चाहते हैं क्लोज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम एल्ट प्लस एफ फोर की से कर सकते हैं इनकेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एल्ट प्लस स्पेस बार अगर हम एल्ट और स्पेस बार को एक साथ दबाते हैं तो ओपन द शॉर्टकट मीनू फॉर एक्टिव विंडोज तो ये क्या ओपन करेगा शॉर्टकट मीनू फॉर एक्टिव विंडोज एफ टू की रीनेम दिलेक्ट आइटम अगर हमने किसी भी आइटम को सिलेक्ट किया हम उसे रीनेम करना चाहते हैं तो किस की का यूज करेंगे F2 की को हम प्रेस करेंगे F2 की का मतलब क्या हमने जो आइटम सेलेक्ट किया है उसको हम डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं अब कंट्रोल प्लस राइट एरो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है इसी तरीके से कंट्रोल प्लस राइट लेफ्ट के पास साइड एरो जो होते हैं ये सारे जो है इनसे मूव करते हैं तो सिंपल है राइट right एरो से मूव होगा क्या पॉइंट बिगनिंग टू द नेक्स्ट वर्ड मूव इंसर्शन पॉइंट टू बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की बात करेंगे तो मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड दोबारा अपनी जगह ले जाता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बात करेंगे तो डाउन एरो में क्या होगा सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ पे ले जाएगा बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ पे ले जाएगा अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो की जगह अप एरो है तो मूव जो हम एक होगा प्रीवियस पैराग्राफ अपने दोबारा से पुराने पैराग्राफ में होगा देन एक इंपॉर्टेंट की है कंट्रोल अल्ट की और डिलीट जो है तीनों की जो अगर हम एक साथ दबाते हैं तो रीस्टार्ट होता है हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल जो होगा रीस्टार्ट द कंप्यूटर एफ फाइव जो है सिंपली रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है एफ फाइव जो होगी वो रिफ्रेश करने के लिए यूज होगा इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट चीज है जैसे कि ई एस सी की है जिससे हम करंट टास्क को जो है वो कैंसिल करते थे विंडोज प्लस एल है टू लॉक द की बोर्ड ठीक है विंडोज प्लस एम है टू मिनिमाइज एन ऑल ओपन विंडो तो और भी की है बट ये जो कीज है मैंने जो यहाँ पर डिस्कस की ये इम्पोर्टेंट की है अगर पूछी जाएगी इन्हीं में से कोई चीज जो होगी वो पूछी जाएगी आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी शॉर्ट में बहुत अच्छे से जो है वो हर पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है इससे पहले जो हमने पार्ट अपलोड किए हैं सिक्सटीन टू सेवनटीन पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हर कोई पार्ट जो है वो देखिए आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कोई भी डाउट होगा कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फेसबुक पे मैसेज कीजिए जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट